नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आज भीमराव अम्बेडकर का 66 हुआ परिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब को श्रद्धांजलि देंगे सीएम योगी। भीमराव अम्बेडकर मार्ग पर होगा कार्यक्रम। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आज भीमराव अम्बेडकर का 66 हुआ परिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देंगे सीएम योगी। भीमराव अम्बेडकर मार्ग पर होगा कार्यक्रम। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आज भीमराव अम्बेडकर का 66 हुआ परिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब को श्रद्धांजलि देंगे सीएम योगी। भीमराव अम्बेडकर मार्ग पर होगा कार्यक्रम। तो आज बड़ी खबर सामने आ रही है। फरुखाबाद में योगी आदेश का पलेता, गौशालाओं का हाल हुआ बेहाल। गौशाला में हो रही गौवंशियों की मौत, बीमार गायों को नोच कर खाते दिखे कुत्ते। गौशाला में नहीं दिखे चारों ओर सफाई व्यवस्था, ग्राम प्रधान की लापरवाही पर अधिकारी बने मौत। थाना शमशाबाद के ग्राम रामपुरा का मामला। फरुखाबाद में योगी के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, आदेशों पर पलीता लगाया जा रहा है। गौशालाओं का हाल हुआ बेहाल। गौशाला में हो रही गौवंशियों की मौत, बीमार गायों को नोच कर खाते दिखे कुत्ते। गौशाला में नहीं दिखी चारों ओर सफाई व्यवस्था। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सुंदरम जुड़ चुके हैं फरुखाबाद से। सुंदरम, किस तरह का हाल दिख रहा है गायों का, गौवंशियों का? जी, मैं बताना चाहूंगा, योगी कितनी भी योजनाएं चला ले गोवंश के बचाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, लेकिन यहाँ पर जनपद फरुखाबाद में पलीता लग ही रहा है। आज जो ताजा मामला आया है वो शमशाबाद क्षेत्र के ग्राम रामपुरा का है, जहाँ की गौशाला में गोवंश पड़े हुए हैं। बीमार गोवंशों कुत्ते व कौवे नोच के खा रहे हैं, और जो गोवंश बीमार होने के बाद उनकी डेथ हो जाती है, उनको वही गौशाला में दफना दिया जाता है, जिससे की बात को बाहर ना जाने पाए। जब प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई तो उनके पास कोई भी सही समुचित जवाब नहीं था। और जो बताया जा रहा है, ग्राम प्रधान वो एक जो वहाँ के ब्लॉक प्रमुख है, उनका बहुत ही करीबी है, इससे कोई भी प्रशासनिक अधिकारियों पे हाथ नहीं डाल रहा है। और जो डॉक्टर गायों का इलाज करने के लिए वहाँ पे हैं, वो स्वयं बीमार पड़े हैं, तो गायों का इलाज कौन करेगा? जी, तो इस पे अधिकारियों का क्या कहना है, क्या उन्होंने कोई इस पे बयान दिया है? अभी जब वहाँ के खंड विकास अधिकारी जी से बात की गई तो उन्होंने कहा हम देखते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि वहाँ पर जो समर्थित प्रधान है वो एक बड़े नेता का करीबी है, तो वहाँ पर लोग अभी उस पर अधिकारी जो है हाथ डालने से बच रहे हैं, लेकिन इस पर बहुत जल्द उच्च स्तरीय अधिकारियों को भी इस पर अवगत कराया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सुंदरम जुड़े थे फरुखाबाद से। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज भीमराव अम्बेडकर का 66 हुआ परिनिर्वाण दिवस, बसपा कार्यालय में मायावती देंगी श्रद्धांजलि। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। परिनिर्वाण दिवस है आज भीमराव अम्बेडकर का 66 हुआ, बसपा कार्यक्रम कार्यालय में मायावती श्रद्धांजलि देंगी। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। जालौन में साइबर सेल और सर्विलांस टीम की बड़ी कार्रवाई हुई। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नकदी समेत गायब हुए 42 मोबाइल बरामद। मोबाइल पाकर खिले मोबाइल स्वामियों के चेहरे। एसपी ने मोबाइल स्वामियों को वापस किए मोबाइल। जालौन में खिले मोबाइल स्वामियों के चेहरे। साइबर सेल और सर्विलांस टीम की बड़ी कार्रवाई। नकदी समेत गायब हुए 42 मोबाइल किए गए बरामद। मोबाइल पाकर खिले मोबाइल स्वामियों के चेहरे।
एसपी ने मोबाइल स्वामियों को वापस किए मोबाइल। जालौन में खेले मोबाइल स्वामियों को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है पुलिस को। साइबर सेल और सर्विलांस की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी हुए फोनों को बरामद किया है और मोबाइल स्वामियों को उन्हें लौटा दिया गया है। मोबाइल पाकर मोबाइल स्वामी काफी खुश नजर आए। एसपी ने मोबाइल स्वामियों को वापस किए। जालौन में खिले मोबाइल स्वामियों के चेहरे, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से नए दिख रहे हैं ये सारे मोबाइल और मोबाइल स्वामियों को उनके चोरी हुए मोबाइल वापस किए हैं। 42 मोबाइल गायब हुए थे जिन्हें नकदी के साथ पाया गया है और उसके बाद उन्हें उनके स्वामियों को वापस कर दिया गया है। एसपी ने मोबाइल स्वामियों को वापस किए मोबाइल। मोबाइल स्वामियों के खिले दिखे चेहरे। बड़ी कार्रवाई की गई है। साइबर सेल और सर्विलांस टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है जहां मोबाइल बरामद किए हैं। 42 मोबाइल बरामद किए गए जो कि चोरी हो गए थे और उसके बाद उन्हें उनके स्वामियों तक पहुंचा दिया गया है, जिसके बाद काफी खुश नजर आए हैं मोबाइल स्वामी। एसपी ने मोबाइल स्वामियों को उनके मोबाइल लौटाए। जालौन से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मेरठ दौरे पर जाएंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। 7 दिसंबर को जाएंगे अखिलेश यादव। दबथुबा में रैली करेंगे सपा सुप्रीमो, जनसभा को संबोधित भी करेंगे अखिलेश यादव। जाएंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, 7 दिसंबर को जाएंगे अखिलेश यादव। दबथुबा में रैली करेंगे सपा सुप्रीमो, जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। मेरठ दौरे पर जाएंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, 7 दिसंबर को जाएंगे अखिलेश यादव। राजधानी में कोरोना का ग्राफ बढ़ा, कोरोना के 5 संक्रमित मरीज मिले। अलग अलग इलाकों में मिले 5 मरीज, एक ही परिवार के 3 लोग कोरोना संक्रमित, सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया। राजधानी में कोरोना का ग्राफ बढ़ा, लगातार कोरोना के मामले फिर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के 5 और संक्रमित मरीज मिले हैं, अलग अलग इलाकों से मिले हैं ये 5ों मरीज, एक ही परिवार के 3 कोरोना की चपेट में, सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया। राजधानी में कोरोना का ग्राफ बढ़ा, कोरोना के 5 और संक्रमित मिले, अलग अलग इलाकों से मिले हैं 5 संक्रमित, 3 लोग कोरोना की चपेट में। रायबरेली दौरे पर जाएंगे स्वतंत्र देव सिंह, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। जगतपुर ब्लॉक के करौती मैदान में जाएंगे, रायबरेली दौरे पर जाएंगे स्वतंत्र देव सिंह, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ओम शंकर जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, क्या कुछ तैयारियां और अपडेट है आपके पास स्वतंत्र देव सिंह के दौरे से संबंधित? देखिए, ये जो है हेलीपैड बनकर तैयार हो चुका है, क्योंकि से कम जो है 30 किलोमीटर दूर ये गांव पड़ता है, वहां पर इंटीरियर इलाके में जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर दी। हेलीपैड बनकर तैयार हो गया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। तो सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, साथ ही जनसभा को जब संबोधित करेंगे स्वतंत्र देव सिंह तो कितनी भीड़ इकट्ठा हो सकती है ओम शंकर? कम से कम 30 से 40 हजार आदमी वहां पर पहुंचने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है और वहीं पर ही यहाँ इनका सभा स्थल है, वहीं पर हेलीपैड बनकर तैयार हो गया है और 12 बजे के आसपास उनका वह हेलीकॉप्टर वहीं पर उतरेगा, जहाँ से वो प्रदेश सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में जनता को संबोधित करेंगे। ओम शंकर, जिस तरह से जनता के बीच जा रहे स्वतंत्र देव सिंह, तो किस उद्देश्य से जा रहे, क्या कुछ सौगात दे सकते हैं? नहीं, सौगात के बारे में तो जानकारी नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं इसको चुनावी जनसभा भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पहली बार इनका दौरा इतनी बड़ी जनसभा को संबोधित करने के लिए हो रहा है रायबरेली जनपद में।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर मतलब रायबरेली से संवाददाता ओम शंकर चौधरी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।